फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजाइनेक्स। मैं आपका दोस्त विकी और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं कोरल ड्रॉ की क्लासेस। जी हाँ गाइस, कोरल ड्रॉ बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला सॉफ्टवेयर है। बहुत ज्यादा इसको यूज किया जाता है, काम मिला जाता है। और अगर आप एक ग्राफिक डिजाइनर हैं या बनना चाहते हैं और आगे चल के आप किसी प्रिंटिंग मीडिया में काम करेंगे तो वहां पर आपको कोरल ड्रॉ की रिक्वायरमेंट जरूर होगी। तो चलिए, ये कोरल ड्रॉ कैसे स्टार्ट करते हैं, कैसे इसको यूज किया जाता है, ये सब हम बेसिक से लेके एडवांस तक आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। तो आज गाइस मैं आपको कुछ बेसिक चीजें कोरल ड्रॉ की बताऊंगा। चलिए यहां से मैं ओपन कर लेता हूं। तो ये हमारा कोरल ड्रॉ जो है वो ओपन हो गया है। इसमें अगर आप देख रहे हो तो कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ पे, ये ऊपर मेन्यूज दे रखे हैं थोड़े, ये कलर पेड्स हैं, ये यही चीज यहाँ पे भी दी हुई है। ये न्यू डॉक्यूमेंट्स, चाहो तो न्यू डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे क्लिक करके ले सकते हो या फिर फाइल में जाके इसकी शॉर्ट की कंट्रोल एन है या यहाँ से भी न्यू डॉक्यूमेंट लिख सकते हो। इसके नीचे आ जाएंगे तो न्यू फ्रॉम टेम्पलेट, लेकिन कुछ डिफॉल्ट टेम्पलेट है, यहाँ पे जाओ तो यहाँ से भी क्लिक करके देख सकते हो कि कुछ डिफॉल्ट टेम्पलेट बने हुए, इनको भी आप यूज में ला सकते हैं। ठीक है, ठीक है, इसी के नीचे आ जाएंगे तो ओपन कंट्रोल ओ। आपने पहले अगर कोई डिजाइन बनाया हुआ है, कोई फाइल है कोरल की, तो आप वहां से ओपन कर सकते हो या फिर ओपन डॉक्यूमेंट यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं या फिर कंट्रोल ओ अगर प्रेस कर दो तो यहाँ से भी आप अपनी फाइल ओपन कर सकते हो। तो चलिए पहले मैं न्यू डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। नेम, या मतलब अगर आप कोई डिजाइन बनाते हो और चाहते हो कोई नाम रखना हो तो मैं रख लेता हूँ कोरल क्लास वन। ठीक है, इसी के नीचे आ जाइए प्रीसेट। मतलब अगर आपने ये जो डिजाइन है, मतलब आपने कोई पेज कस्टम पेज आपको चाहिए पर्टिकुलर साइज, आप चाहते हो कि यार ये मुझे बार बार यूज होने वाला है तो इसको मैं एक बार सेट कर दू, तो यहाँ के जो थ्री डॉट्स दिख रहे हैं इस पर अगर आप क्लिक कर दोगे सेव पिक्चर, ये आपको कोई भी नाम दीजिएगा न्यू फाइल और ओके कर देंगे तो यहाँ आपके पिक्चर जो है उसी में आपको ऑप्शन दिख जाएगा। वेब के लिए कुछ होते हैं क्लासेस वन, ये हमारा पहले ही मैंने कुछ डिफॉल्ट सेव कर रखे थे। ओके गाइस, इसके बेसिकली हम डिफॉल्ट रख देते हैं। अच्छा, ये पेज ऑफ, यानी कि आप कितने पेज चाहिए, कितने पेज आपको चाहिए, आपको दो चाहिए, चार चाहिए, जितने चाहो आप ले सकते हैं इसमें, बट अभी तो हमें एक ही यूज करना है तो आप एक पेज ले सकते हैं, ले लीजिएगा। अच्छा, प्राइमरी कलर मोड, ये यूज तब होता है जैसे अगर आपको डिजाइन प्रिंटिंग के लिए बना रहे हो, प्रिंट करना है तो आप CMYK के मोड यूज करिएगा। अगर आप डिजाइन को सिर्फ डिजिटल रखना चाहते हो, सिर्फ स्क्रीन के लिए रखना चाहते हो तो आप RGB मोड यूज करिएगा। ठीक है, RGB CMYK क्या है इसमें हम आगे चल के बात करेंगे। ठीक है, नीचे आ जाएंगे डायमेंशन पे, तो ये कुछ पेज साइज है इसकी, आपको अपना पेज साइज कितना रखना है तो यहाँ पे अगर आप क्लिक कर दे तो कुछ यहाँ पे डिफॉल्ट साइज रखे हैं, लेटर है, टेबल, डबल, बिजनेस कार्ड, फोटो कार्ड, वेब टेम्पलेट, वेब बैनर हो गया, A4 A3, जो आप साइज चाहिए आपको ले सकते हो। तो अगर आप चाहते हो कुछ अपना खुद का मतलब डिजाइन का उसको साइज होना चाहिए, क्योंकि मोस्टली प्रिंटिंग में हमें कोई पर्टिकुलर साइज दिया जाता है कि इस साइज पे हमें वर्क करना है, तो यहाँ पे आप या तो यहाँ से आप लिख के कुछ भी साइज ऐड कर सकते हो या फिर अगर आप इसी पे एरो पे क्लिक कर दो, कम ज्यादा करना चाहो जितना इस पर कर सकते हो। और ऊपर दिख रहे कस्टम हो गया, यानी कि हम अपना खुद का साइज ले रहे हैं। यह है इसके यूनिट, मतलब आप इसको मीटर में लेना चाहते हो, मिलीमीटर में लेना चाहते हो, इंचेस में लेना है या फिर पिक्सल में लेना है, जिसमें भी आप चाहो ले सकते हो। नीचे आ जाएंगे, आपको दो ऑप्शन दिए हैं, आप इसे ओरिजिनल चाहिए या फिर वर्टिकल चाहिए। अगर आप पोर्ट्रेट लेना चाहते हो या फिर लैंडस्केप में लेना चाहते हो तो वाइड हो जाएगा, जैसा आप चाहो वैसा आप साइज में ले सकते हो। ओके, इसे हम यहाँ से ओके कर देंगे तो ये आपको इसका इंटरफेस खुल गया है, ये कुछ इस तरीके से लिखता है। यहाँ आपके फाइल मेन्यू है, ये आपके टूल्स बार है, ये कलर बार है, कलर प्लेट बोलते हैं। ठीक है,
इनको कैसे यूज करना है, इसके आगे आपको देखोगे तो कुछ और प्रॉपर्टीज वगैरह कुछ और ऑप्शंस दिख रहे हैं। इस पर अगर आप क्लिक कर दोगे तो पहले खुल जाते हैं, इनको बाद में यूज करेंगे। तो ये आपका है मेन आउटलुक यानी कि वर्क एरिया। आप कोई भी डिजाइन बनाइए, कहीं भी बना सकते हो, कुछ भी करिए। सपोज यहाँ मैंने कुछ बनाया, कलर कर दिया, बट जब आप इसे प्रिंट करें तो इसके अंदर ही रखिएगा, ठीक है। तो गाइस, तो ये थी इसकी कुछ बेसिक। अब इनको कैसे हम टूल का यूज कर सकते हैं, कहाँ यूज कर सकते हैं, ये हम आने वाली वीडियोस में सीखेंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, तो आप जल्दी से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे को वीडियो को देख लीजिएगा। आने वाले चैनल को जल्दी से लाइक कर दीजिए, तो आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि एक ही वीडियो मिस ना करें। मैं आपको बहुत ही जल्दी हम इसकी आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आप वीडियो मिस ना कर सकें। और बहुत जल्दी आप सारी हम कोरेल ड्रॉ की क्लासेस जो है वो कवर करेंगे।